रोहतास एसपी आशीष भारती ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेसवार्ता का जानकारी देते हुए बताया कि रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काराकाट थाना अंतर्गत मिश्र बलिया गांव के हनुमान मंदिर के समीप एक घर में कुछ अपराधियों के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल छिपाकर रखी गई है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने काराकाट थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गठित विशेष टीम के द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर में छिपाकर रखे गए चोरी की 3 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिथिलेश कुमार, रवि कुमार, गोविंदा कुमार, राहुल कुमार नामक अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने जब्त किए गए मोटरसाइकिल चोरी होने की बात को स्वीकार की है। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी में शामिल सभी लोग पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। चोरी के मोटरसाइकिल का व्यापार कर रहे हैं और मोटरसाइकिल चोरी करके उसको अवैध रूप से खरीद बिक्री करते हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मिश्र वलिया स्थित मंदिर के पास एक घर में छापेमारी किया गया तो 4 व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मिथिलेश कुमार, रवि कुमार, गोविंदा कुमार तथा राहुल कुमार, और सभी 4 काराकाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके निशानदेही पर घर से चोरी के 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन सभी के द्वारा उक्त सभी मोटरसाइकिल्स को चोरी का होना बताया गया है तथा उनको सस्ते दाम पे बेचने की बात बताई गई है। इस मामले में इनके जो अपराधकर्मी हैं, इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है तथा इस पूरे दोनों मामले में जो पुलिस पदाधिकारी और बल शामिल थे उनको पुरस्कृत किया जा रहा है।